हेलो एवरीवन, सो क्या हालचाल आप लोगों का? बढ़िया। चलिए, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज एंड एक्टिविटी रेशियोज को कवर करने के बाद आज से हम लोग सॉल्वेंसी रेशियोज को स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप लोग में से कोई भी अभी तक उन सेशंस को अटेंड नहीं किया है तो जरूर करिएगा। पूरे प्लेलिस्ट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन आई बटन दोनों में ऐड कर देगा। आज हम लोग क्या स्टार्ट करें, आज से हम लोग सॉल्वेंसी रेशियो स्टार्ट कर रहे हैं। सर, सबसे पहले बात करते हैं सॉल्वेंसी रेशियोज के बारे में। देखिए, सॉल्वेंसी रेशियोज किसी भी एंटरप्राइज के लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस को रीपे करने की एबिलिटी को मेजर करता है। ये रेशियोज ये कैलकुलेट करता है कि एक एंटरप्राइज अपने लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस को रीपे कर पाएगा या नहीं, जब वो ऑब्लिगेशंस ड्यू होंगे पेमेंट के। इसी चीज को मेजर करने के लिए हम लोग चार अलग अलग रेशियोज को कैलकुलेट करते हैं। आज से सबसे पहले हम लोग डेट टू इक्विटी को पिकअप कर रहे हैं। सर, सबसे पहले बात करते हैं डेट टू इक्विटी के फॉर्मूला के बारे में। सर, फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, डेट बाई इक्विटी नाम में है, डेट बाई इक्विटी। अब इसके कॉम्पोनेंट्स को समझने के लिए हम लोग बैलेंस शीट का एक एक्सट्रैक्ट देखते हैं। देखिए, ये एक शेड्यूल थ्री आइटम्ड बैलेंस शीट है। ये शेड्यूल थ्री का फॉर्मेट बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन शेड्यूल थ्री में जो आइटम हम लोग यूज करते हैं उनको एक टी शेप में प्लेस किया गया है बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। सबसे पहले सर डेट का बात करते हैं। देखिए सर, डेट में हम लोग नॉन करेंट लाइबिलिटीज को कंसिडर करते हैं। यहाँ पर डेट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस। तो हम लोग यहाँ पर नॉन करेंट लाइबिलिटी को कंसिडर करते हैं, which includes your long-term borrowings and long-term provisions. अब यहाँ पे एक और चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, इन दो components को यानी कि non-current liability को और current liability को मिला के हम लोग total debt बोलते हैं। But debt alone debt means only long-term obligations या फिर non-current liability. तो अगर आपको debt चाहिए तो आप क्या करो, balance sheet लो, balance sheet से non-current liability को pick करो और आपको debt मिल जाएगा। अब बात करते हैं सर इक्विटी के बारे में। सर, इक्विटी भी बड़ा सिंपल है। इक्विटी इज नथिंग बट शेयर होल्डर्स फंड। सर, शेयर होल्डर्स फंड में दो कंपोनेंट आते हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। अगेन आप ऐसा भी सोच सकते हो, शेयर कैपिटल के अंदर क्या आता है, शेयर कैपिटल के अंदर अगेन दो कंपोनेंट्स आते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो ये एक बेसिक आउटलुक हुआ डेट और इक्विटी निकालने के लिए। अब हम लोग ये समझते हैं कि डेट टू इक्विटी रेशियो को निकालने के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है एंड इसका जो रिजल्ट आता है, जो आंसर आता है, उस आंसर को हम लोग इंटरप्रेट कैसे करते हैं। देखिए, डेट टू इक्विटी रेशियो में न्यूमरेटर में डेट है, तो अगर आपका आंसर बहुत हाई आया, अगर आपका ये रेशियो बहुत हाई निकला, से फॉर एग्जांपल 4:1, 5:1, मतलब ये उस एंटरप्राइज के लिए बहुत ही रिस्की पोजीशन है। इट्स अ वेरी रिस्की पोजीशन फॉर द एंटरप्राइज, क्योंकि उनका डेट ज्यादा है इक्विटी के कंपैरिजन में, ओन फंड कम है और मार्केट से लिया हुआ पैसा ज्यादा है। Whereas, अगर इनका डेट टू इक्विटी रेशियो लो आता है, से फॉर एग्जाम्पल 1:1, 2:1, तो एक एंटरप्राइज के लिए सेफर फाइनेंशियल पोजिशन है। वो ये इंडिकेट करेगा कि एक एंटरप्राइज डेट से आउटसाइड फंड पे डिपेंडेंट नहीं है। ये रेशियो लेंडर्स को यानी कि बैंक्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, क्रेडिटर्स को एक हाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्रोवाइड करता है। अब हम लोग इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ताकि अभी तक हम लोग जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उन कॉन्सेप्ट को हम लोग कैपिटलाइज कर सके। सबसे पहले सर क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, देखते हैं अपने पास क्या क्या डेटा पॉइंट्स है। फिक्स्ड एसेट ग्रॉस, ग्रॉस मतलब फिक्स्ड एसेट विदाउट चार्जिंग डेप्रिसिएशन, बिना डेप्रिसिएशन चार्ज किए हुए आपका फिक्स्ड एसेट 6 लाख रुपीज का है। इसी एसेट पे एक्यूमुलेटेड जमा किया हुआ डेप्रिसिएशन 1 लाख रुपीज है। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 30,000, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस जो हमने दे के रखा है। लॉन्ग टर्म लोन्स इज अ लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस इज एन असेट, आपने लोन देकर रखा है। करंट असेट, करंट लाइबिलिटी, डिबेंचर्स। अब देखिए, डिबेंचर्स के ब्रैकेट में 10% दिया हुआ है। जब भी आपको क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ मिले 10% डिबेंचर्स या डिबेंचर के ब्रैकेट में 10%, इसका सिंपल मतलब है कि ये इस डिबेंचर पे अक्रू होने वाले या लगने वाले इंटरेस्ट को सिग्निफाई कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस 1 लाख, ओके। अब इसको सर देखिए, करने का दो तरीका है। एक तो आप फॉर्मूला याद कर सकते हो, या एक सिंपल तरीका है, आप इन सारे डेटा को एक बैलेंस शीट में पुट करो जैसा हमने डिस्कस किया था, और आपको क्लियर कट आंसर मिल जाएगा। ऐसा करने से आप और भी रेशियोज को एक संग कैलकुलेट कर सकते हो। एक बार इसको प्लॉट करते हैं। देखिए, सबसे पहला फिक्स असेट ग्रॉस 6 लाख एंड उस पर डेप्रिसिएशन 1 लाख। अगर नेट करें इन दोनों फिगर का, अगर नेट निकाले तो आपके पास 5 लाख रुपए का फिक्स एसेट बचता है। तो उसको लिख लेते हैं फिक्स असेट के अंडर में 5 लाख रुपीज। फिर आपके पास देखिए नेक्स्ट आइटम क्या है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। अब ये भी आपके नॉन करेंट असेट का ही पार्ट है, 30,000। सो दिस इज योर नॉन करेंट असेट। एंड नेक्स्ट आइटम अपने को दिया हुआ था लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, कितना अमाउंट,
सर 30,000, 20,000, ओके 30,000 एंड दिस इज अगेन 20,000। अब आगे बात करते हैं, और देखिए क्या दिया हुआ है, करंट असेट 2,50,000, करंट लाइबिलिटी 2,00,000, तो इसको भी प्लॉट करते हैं। करंट असेट इज 2,50,000, करंट लाइबिलिटी इज अगेन 2,00,000। अब आगे डिबेंचर्स दिया हुआ है 10% और अपने को लॉन्ग टर्म प्रोविजन दिया हुआ है 1,00,000 का। अब इसको भी प्लॉट करते हैं। सर ये दोनों इसी का पार्ट है, नॉन करेंट लाइबिलिटी का ही दो पार्ट है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स और प्रोविजन। डिबेंचर्स इज नथिंग बट लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। इसका टोटल कितना आता है, इसको टोटल करके हम लिख सकते हैं 4,00,000 रुपीज। तो 4,00,000 यहां पर प्लॉट कर देते हैं, डन। अब क्वेश्चन में सर हम लोग को डेट टू इक्विटी पूछा था, लेकिन इक्विटी का कोई डिटेल नहीं दिया है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग उसको बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हैं। सबसे पहले ये कैलकुलेट करते हैं कि अपने पास टोटल असेट कितने हैं। तो देखिए 5,00,000 रुपीज सारे एसेट को अगर ऐड करें तो 5,50,000 और 2,50,000, टोटल इज रुपीज 8,00,000। तो इसको भी हम लोग यहां पे 8,00,000 लिख लेते हैं और इस 8,00,000 से इन दोनों फिगर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 4 into 6,00,000 - 8,00,000 दिस कम्स टू ₹2,00,000। तो ये अपना बैलेंसिंग फिगर आ गया और यही आपको एक्चुअली सोल्यूशन में यूज करना है, क्योंकि आपको फॉर्मूला क्या चाहिए, डेट बाई इक्विटी। अब हम लोग डिस्कस किए थे सर डेट का मतलब क्या हो गया, नॉन करेंट लाइबिलिटी इज योर डेट एंड वॉट इज इक्विटी 2,00,000, दिस इज योर इक्विटी। तो आप इसको फॉर्मूला में पुट करो, आपको आंसर मिल जाएगा। डेट बाई इक्विटी इज 4,00,000 डिवाइड बाई 2,00,000 इज इक्वल्स टू 2:1 और ये बहुत ही आइडल डेट टू इक्विटी रेशियो माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्या बोले, देखिए डेट टू इक्विटी आपको दिया हुआ है 2:1 और आपको बताना है कि इन ट्रांजैक्शंस को इंडिपेंडेंटली, हर एक ट्रांजैक्शंस को आपको सोच के बताना है कि हर ट्रांजैक्शन का डेट टू इक्विटी में क्या इंपैक्ट आएगा, क्या इन ट्रांजैक्शंस के कारण आपका रेशियो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या कॉन्स्टेंट रह जाएगा। ध्यान से सुनेगा, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग सा बात आप लोगों को बताएगा। पहले नंबर 1 को इवैल्यूएट करते हैं, पेमेंट टू क्रेडिटर। अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं, हम लोग पहले कुछ इमेजिनरी फिगर ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है डेट बाई इक्विटी। अब सर आप सोचो ना 2:1 रेशियो कैसे आएगा, कुछ भी आप अज्यूम करो। एक बार डेट को 2,00,000 ले लेते और इक्विटी को 1,00,000 ले लेते, 2,00,000 / 1,00,000 इज 2:1, ठीक है। क्रेडिटर को पेमेंट, अब आप इसके कॉम्पोनेंट्स के बारे में सोचो। सर सबसे पहले अगर हम लोग इसके कॉम्पोनेंट के बारे में सोचेंगे तो यहाँ पे 2 कॉम्पोनेंट है, एक तो हमारा करेंट लाइबिलिटी क्रेडिटर और एक हमारा करेंट असेट कैश। जब आप अपने क्रेडिटर को पे करोगे तो आपका करेंट लाइबिलिटी कम हो जाएगा और आपका करेंट असेट भी कम हो जाएगा, ठीक है सर, इसमें कोई दिक्कत का बात नहीं है। क्रेडिटर हमारा कम हो जाएगा, करेंट असेट हमारा कम हो जाएगा। अब आप ये सोचो कि क्या इन दोनों आइटम के कम होने से आपके डेट और इक्विटी में कोई इंपैक्ट आएगा कि नहीं आएगा। सर द आंसर इज नो, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि करंट लाइबिलिटी हमारे डेट इक्विटी को इंपैक्ट नहीं करता है और करंट असेट भी हमारे डेट इक्विटी को इंपैक्ट नहीं करते, क्योंकि डेट में आपका लॉन्ग टर्म बोरिंग्स प्रोविजन आता है और इक्विटी में आपके शेयर होल्डर फंड, रिजर्व, सरप्लस, ये सब कॉम्पोनेंट्स आते हैं। मतलब सर इस ट्रांजैक्शन से, क्रेडिटर को पेमेंट करने से हमारे डेट टू इक्विटी में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, इट विल नॉट चेंज, देयर विल बी नो इंपैक्ट। समझ में आप लोगों को, आगे बढ़ते हैं। देखिए सर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, अब इसको ध्यान से समझिएगा। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, जब भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करता है, जब भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करता है वो बेसिकली क्या करता है, वो अपने प्रॉफिट्स में से कुछ पैसा निकाल के शेयर होल्डर्स को दे देता है, ठीक है। मतलब सर जब आप डिविडेंड डिक्लेयर करोगे तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा और एक लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगा। आपने मान लो अभी तक पेमेंट ही नहीं किया अपने शेयर होल्डर्स को, आपने डिक्लेयर कर दिया, मतलब आप क्या करोगे, आप अपने प्रॉफिट से पैसे को निकाल के एक लाइबिलिटी क्रिएट कर लोगे, एक करंट लाइबिलिटी कि आपको पे करना है नियर फ्यूचर में। मतलब आप सोचिए क्या हो रहा है, डिविडेंड डिक्लेयर करने से योर प्रॉफिट्स आर गोइंग डाउन एंड योर करेंट लाइबिलिटी इज गेटिंग क्रिएटेड। अब आप सोचो इन दोनों आइटम का इंपैक्ट डेट और इक्विटी में। सर प्रॉफिट इज अ पार्ट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस। सर रिजर्व्स एंड सरप्लस में जो सरप्लस दिखते हैं ना, वही तो प्रॉफिट लॉस है। मतलब सर ये जो प्रॉफिट है ये आपके रिजर्व्स एंड सरप्लस को इंपैक्ट करेगा, और अगर सर ये आपके रिजर्व्स एंड सरप्लस को इंपैक्ट करेगा तो सर पक्की बात है कि ये आपके शेयर होल्डर्स फंड को भी या इक्विटी को भी इंपैक्ट करेगा।
सर कैसे इंपैक्ट करेगा? प्रॉफिट गोइंग डाउन मतलब योर इक्विटी गोइंग डाउन। सर करंट लाइबिलिटी ना तो डेट को इंपैक्ट करेगा ना तो इक्विटी को इंपैक्ट करेगा। मतलब अल्टीमेटली क्या हो गया, अगर हम लोग इस ओरिजिनल रेशियो को चेंज करें, मान लेते हैं कि कंपनी ने 10,000 रुपीज का डिविडेंड डिक्लेयर किया, अज्यूम कर लेते, मतलब आप सोचो क्या होगा, आपका डेट तो 2 लाख ही रह जाएगा और इक्विटी में क्या इंपैक्ट आएगा? सर 1 लाख रुपीज का इक्विटी विल बी सब्ट्रैक्टेड बाई 10,000 एंड दिस विल बी 2 लाख डिवाइडेड बाई 90,000। 2 लाख बाई 90,000, सर न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर कम हो रहा है, न्यूमरेटर सेम है डिनोमिनेटर कम हो रहा है, मतलब आपका रेशियो ओवरऑल इंक्रीज हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, दिस विल बी 2 लाख डिवाइडेड बाई 90,000, इट्स अप्रोक्सीमेटली 2.22:1। सर बहुत ध्यान से सुनेगा, आपका रेशियो इंक्रीज हो गया। सर इसमें कोई नया बात नहीं है, ये हम लोग भी समझ रहे हैं कि रेशियो इंक्रीज हो गया, पहले 2:1 था, अभी 2.22:1 हो गया, तो रेशियो इंक्रीज हो गया। बट वेरी इंपॉर्टेंट, क्या आपका रेशियो इंप्रूव हुआ है कि डिटोरिएट हुआ है? सर रेशियो इंप्रूव हुआ है कि डिटोरिएट हुआ है? सर इंक्रीज हुआ है पक्का, अरिथमेटिकली रेशियो इंक्रीज हुआ है, कोई डाउट नहीं है इस बारे में, बट इंप्रूव हुआ है कि डिटोरिएट हुआ है आपको यह बताना। सर डेट टू इक्विटी में क्या होता है ना, रेशियो इंक्रीज हो तो खराब है और डिक्रीज हो तो अच्छा है, क्योंकि सर ये इंक्रीज हो रहा है मतलब हमारा रेशियो डिटोरिएट हो रहा है। ध्यान रखिएगा एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन, कहां आपको इंक्रीज बोला है कहां आपको इंप्रूव बोला है। डेट टू इक्विटी बढ़ने से हमारे लिए खराब है, कम होने से हमारे लिए अच्छा है, ठीक है? तो रेशियो इंक्रीज हो रहा है अरिथमेटिकली, लेकिन क्वालिटी वाइज डिटोरिएट हो रहा है। समझा आप लोग को? थर्ड वाले को देखते हैं, देखिए थर्ड में क्या बोले। थर्ड में बोला है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश। आपने अपने डिबेंचर्स, आपने अपने लॉन्ग टर्म बोरिंग्स को रिडीम कर दिया कैश से। सर इसके भी कंपोनेंट को समझते हैं, थर्ड वाला देखिए। सर एक तो क्या होगा, एक तो आपका डिबेंचर कम हो जाएगा। सर अगर डिबेंचर कम होगा मतलब हमारा नॉन करेंट लाइबिलिटी कम हो जाएगा, हाँ सर एकदम कम हो जाएगा, और सर एक ना मेरा कैश भी कम हो जाएगा। सर कैश तो मेरा करेंट लाइबिलिटी होता है ना, हाँ करेंट एसेट होता है ना, यस। मतलब यार करंट एसेट गेटिंग इंपैक्टेड एंड योर नॉन करंट लाइबिलिटी गेटिंग इंपैक्टेड। सर नॉन करंट लाइबिलिटी मेरे डेट का पार्ट होता है, तो वो पक्का मेरे डेट को कम कर देगा, बट कैश कोई चीज को इंपैक्ट नहीं करेगा, मतलब डेट और इक्विटी को इंपैक्ट नहीं करेगा। तो आप सोचो इसका आपका आंसर क्या होगा। से फॉर एग्जाम्पल आपका डिबेंचर मान लेते हैं 5,000 रुपीज का, अज्यूमिंग 5,000 रुपीज का, मतलब क्या होगा सर 2 लाख रुपीज का डेट कम हो जाएगा 5,000 से, इक्विटी रिमेनिंग द सेम एट 1 लाख। तो कितना आएगा आपका, 1,95,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख विच इज इक्वल्स टू 1.95:1। सर बताइए इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? सर वेरी ट्रू, रेशियो डिक्रीज हो रहा है, बट इंप्रूव भी हो रहा है, अरिथमेटिकली रेशियो डिक्रीज हो रहा है, लेकिन क्वालिटी वाइज रेशियो इंप्रूव हो रहा है बिकॉज योर डेट इज गेटिंग रिड्यूस्ड। समझ में आ रहा है आप लोगों को? आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या बोला है थर्ड फोर्थ वाला। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट बुक वैल्यू 40,000 फॉर 50,000। आराम से सोचिए, नंबर फोर देखिए, इसको यही करते हैं। नंबर फोर, आपका फिक्स्ड एसेट सेल हो रहा है प्रॉफिट में, मतलब आप सोचो इसका कंपोनेंट्स क्या क्या होगा। सर एक तो कैश आएगा, क्योंकि सर कैश हमारा इंक्रीज हो रहा है 50,000 से, एकदम। सर हमारा जो फिक्स्ड एसेट है ना वो कम हो रहा है, एकदम। और सर एक हमारे पास प्रॉफिट भी आ रहा है 10,000 रुपीज का। अब आप तीनों आइटम को इंडिविजुअली इवेल्युएट करो। सर कैश ना तो आपके डेट ना तो इक्विटी को इंपैक्ट करता है, क्यों? क्योंकि वो करंट असेट है, ठीक है। सर फिक्स्ड असेट, सर ये भी डेट इक्विटी को इंपैक्ट नहीं करता है, क्यों? क्योंकि ये नॉन करंट असेट है। सर प्रॉफिट डेफिनेटली इंपैक्ट करता है, क्योंकि प्रॉफिट इज अ पार्ट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस विच इज अ पार्ट ऑफ इक्विटी। सो प्रॉफिट गेटिंग हायर, इक्विटी गेटिंग हायर, मतलब आपका जो इक्विटी है वो इंक्रीज हो जाएगा। अज्यूम करते हैं कि आपका जो अज्यूम क्या, इसमें दिया हुआ है प्रॉफिट 10,000 है। आप सोचो सर आपका डेट तो 2 लाख पे ही रह जाएगा, डेट 2 लाख पे, और जो इक्विटी है वो 10,000 से बढ़ जाएगा, मतलब 1,10,000। सर न्यूमरेटर सेम, डिनोमिनेटर इंक्रीज, रेशियो डिक्रीज हो जाएगा, रेशियो डिक्रीज हो जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आया रेशियो डिक्रीज हो रहा है? अच्छा, तो ये फोर्थ का आपका आंसर आ गया डिक्रीज। आगे बढ़ते हैं, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट फॉर ऑन क्रेडिट। आपने अपने फिक्स्ड एसेट को क्रेडिट पे बेचा। सर अगेन दो कंपोनेंट, एक हो गया आपका फिक्स्ड एसेट और एक हो गया आपका क्रेडिटर, जिसको आपने क्रेडिट पे बेचा। सर फिक्स्ड एसेट इज माय नॉन करेंट एसेट,
नॉन करेंट असेट एंड क्रेडिटर इज माई करेंट लाइबिलिटी। सर ये दोनों ही आइटम ना तो आपके डेट को इम्पैक्ट करता है ना तो आपके इक्विटी को इम्पैक्ट करता है। यानी अगर आप अपने फिक्स असेट को क्रेडिट पे बेचोगे तो आपके डेट टू इक्विटी में कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। क्लियर आप लोगों? नो इम्पैक्ट, नो चेंज। सर लास्ट वाला, परचेज ऑफ फिक्स असेट ऑन लॉन्ग टर्म पेमेंट बेसिस। सर सेम ही है, बस यहां पे क्या हो रहा है, आपका क्रेडिटर की जगह एक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगा, लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन, क्योंकि आपको आपने परचेज किया है, आपने परचेज किया है और आपको पैसा देना है बहुत बाद में। मान लो आपने लोन लेके खरीदा है जिस जो लॉन्ग टर्म बेसिस में, मतलब ये आपका लॉन्ग टर्म लोन का पार्ट है, ये आपके लॉन्ग टर्म लोन का पार्ट है। सर ये तो आपके डेट इक्विटी को इम्पैक्ट नहीं करेगा, बट ये जो लॉन्ग टर्म लोन है ये डेफिनेटली आपके डेट को इम्पैक्ट करेगा। सर कैसे इम्पैक्ट करेगा? सर मेरा डेट इंक्रीज हो जाएगा। सो सर डेट गेटिंग इंक्रीज, इक्विटी रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, पूरा रेशियो आपका इंक्रीज हो जाएगा। आप सोचो, मान लो आपने 10,000 रुपीज का परचेज किया, सो आपका डेट वॉज 2 लाख प्लस रुपीज 10,000 डिवाइडेड बाई इक्विटी रिमेनिंग सेम, सो दिस इज 2,10,000 बाई 1 लाख, दिस इज 2,10,000 बाई 1 लाख, सो दिस इज 2.1:1। सो अरिथमेटिकली योर रेशियो इज गेटिंग इंक्रीज्ड, योर रेशियो इज गेटिंग इंक्रीज्ड। आई होप आप लोगों को समझ में। कोई भी ऐसे तरीके के क्वेश्चंस में डाउट होता है तो कमेंट में अपने डाउट्स को जरूर लिखिएगा। तो आई रियली होप कि आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। टिल देन स्टे कनेक्टेड, थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।